नगर शहर में एक प्रोफेशनल लोगों का ठगी करने का गिरोह सक्रिय हो रहा है। यह गिरोह अपने आप को NRI की तरह से दर्शाकर व्यापारियों से नकदी ठगने का काम कर रहा है। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया 8 मार्च को, जब सीकर के सबसे व्यस्ततम चौराहे SBI बैंक के पास रात को एक निकासी निकल रही थी, उसी समय कपड़ों के व्यापारी बनवारी मालपानी की दुकान पर दो लोग आए, जो पहनावे से अच्छे सूट बूट में थे। कुछ इस तरह से अपने आप को दर्शा रहे थे कि वे भी इस निकासी के साथ हैं और NRI है। उन्होंने दुकान पर कंबल देखी और पसंद आने के बाद विदेशी मुद्रा दिखाते हुए कहा कि कौन से नोट दें, जिस पर मालपानी ने भारतीय करेंसी में भुगतान के लिए कहा, जो उसके पर्स में भी थे। उन्होंने कंबल के पैसे दे दिए। इस दौरान उनमें से एक जने ने व्यापारी मालपानी से भारत में नए प्रचलन में आए नोट का जिक्र किया और 2000 का नोट दिखाने का और नई करेंसी दिखाने का नाटक किया। मालपानी ने 500 के नोट दिखाए जो गड्डी के रूप में थे। उनमें से युवक ने व्यापारी को बातों में उलझाकर 37 नोट अपने सूट की जेब में रख लिए और बाकी के नोट व्यापारी को वापस दे दिए। बातों में उलझे व्यापारी को उस समय नोट कम होने का एहसास भी नहीं होने दिया और तुरंत ही काम पूरा होने का इशारा कर दोनों ठग दुकान से कंबल लेकर के निकल गए। इस बात का पता उन्हें थोड़ी देर बाद चला जब वे दोनों वहां से निकल गए थे। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया। व्यापारी मालपानी ने पुलिस में वीडियो फुटेज देकर इन दोनों ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मालपानी ने कहा कि उनके साथ इस तरह की वारदात हुई है, वे चाहते हैं कि ऐसी ठगी की वारदात अन्य किसी व्यापारी के साथ नहीं हो। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये दो चेहरे जो सूटेड बूटेड होकर के अपने आप को रहीसी अंदाज में दिखाने वाले ये शातिर ठग हैं, जो व्यापारियों को नई भाषा और अपने आप को NRI दिखाकर भारत से अनजान होकर के ठग कर ले जाते हैं।